हाय माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बॉडी शेमिंग के बारे में। आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा कि किसी ना किसी पर्सन ने ज़रूर आपके अपीयरेंस पर, आपके खाने पीने को लेकर, आपकी हाइट को लेकर कुछ ना कुछ इस तरीके का टोन ज़रूर मारा होगा। और कितना हर्ट होता ना ये, और कैसे बॉडी शेमिंग से आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, मैं पूरा बताऊँगी आपको। केस का एग्जाम्पल भी दूंगी और खुद का भी एग्जाम्पल दूंगी कि मैं बचपन में जब बॉडी शेमिंग का शिकार हुई थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपको मेरी ऐप डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन कर आप रिलैक्स रह सकते हैं और ऐसे बॉडी शेमिंग करने वालों को सिर्फ अपनी स्माइल देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। अगर डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, उसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी बॉडी शेमिंग के टाइप्स, किस किस तरीके से जो है ना लोग आपको बॉडी शेमिंग का शिकार बनाते हैं। पहले मैं खुद का ही बता देती हूँ आपको। जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी, तो मुझको सब वैसे बोलते थे, ऐसा लगता है कि बांस पे कपड़े लटका रखे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ना हड्डियों का ढांचा है, कुछ खाती नहीं है, कुछ खाने को नहीं दिया जाता। इस तरीके की बातें ना मैंने बहुत ज़्यादा सुनी हैं। और भी एक गंदा वर्ड सुना था और वो है बिल्कुल चिमड़ी पड़ी है। और बच्चे को कितना हर्ट करता है अगर कोई उसको ऐसा बोले, लेकिन ऐसा मैंने अक्सर सुनती थी अपने स्कूल टाइम में। और उस टाइम पर बहुत गुस्सा भी आता था, दुख भी होता था, बहुत रोती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और परेशान होकर मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। स्कूल से आई और मैंने कहा मम्मी मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी ने बहुत समझाया ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो गंदे बच्चे हैं या जो भी आपको ऐसे बोलते हैं। एक हमारी पड़ोस की आंटी थी, वो भी बोलती थी, तो मम्मी बहुत समझाती थी किसी के बोलने से कुछ नहीं होता ये वो। जब मम्मी को लगा कि मैं ऐसे समझ ही नहीं रही हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और तब कॉन्शियस हो रही हूँ अपने बॉडी वेट को लेकर, तब मेरी मम्मी ने एक दिन प्यार से बैठाकर मेरी काउंसलिंग करी और उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बात बताई। और उन्होंने बताया कि बेटा, ये जो लोग आपको आपके वज़न को लेकर कि इतनी चिमड़ी सी है, इतनी पतली सी है, हैंगर पर कपड़े टांग दिए हैं, ये सब जो बोल रहे हैं ना, इन सब को चुप करने का एक ही तरीका है और वो ये है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि ये आपके सामने कुछ बोल ही ना पाए। क्योंकि अगर आप इनको जवाब दोगे, किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि आप पतले हो और पतला होना बहुत अच्छी बात है और मैं तो नेचुरली पतली हूँ, आपको तो वज़न घटाना पड़ेगा, या कुछ भी एक्सप्लेनेशन दोगे, ये लोग आपकी एक भी नहीं सुनने वाले हैं। ये लोग बिल्कुल उस कीचड़ की तरह हैं कि जिसमें आपका मान लीजिए गलती से पैर पड़ गया, तो आप कीचड़ से झगड़ा थोड़ा ना करेंगे, झगड़ा करने के लिए उस पर दोबारा से कूदेंगे तो वो और ज़्यादा ऊपर तक आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो इसलिए इनको जवाब देने का या इनकी बातों से हर्ट होने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने आप को गुणों से इतना ज़्यादा भर लो कि किसी का तुम्हारे सामने कुछ भी इस तरीके की फालतू की बातें बोलने की हिम्मत ही ना पड़े। वो बात इस तरह से दिमाग में बैठ गई कि उसके बाद किसी ने भी कुछ भी बकवास की, वो सब इफेक्टलेस हो गए, जीरो इफेक्ट। तो चलिए ये तो हुई मेरी बात। अब मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी बहुत ही सीवियर डिप्रेशन में मेरे पास आई और उनके डिप्रेशन का जो रीज़न उनके घर वालों को लग रहा था, थोड़ी बहुत उनके घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, बट वो उनके डिप्रेशन का कारण नहीं था। थोड़ा बहुत उनके हस्बैंड से झगड़ा था, हस्बैंड को लगा कभी मेरी वजह से डिप्रेशन में हो, वो भी उनके डिप्रेशन का कारण नहीं निकला। किसी भी तरीके से जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स को डाउट था कि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है घर में, जो है ना सास ससुर से कुछ लड़ाई झगड़ा है, कोई भी उनके डिप्रेशन का कारण नहीं निकला। जब उनसे बात की गई, उनके डिप्रेशन का कारण निकला उनकी जो बॉडी शेमिंग उनको बार बार होती थी, क्योंकि उनका वज़न उनके हस्बैंड से ज़्यादा था और उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, एकदम से वाइट कॉम्प्लेक्शन उनका इस तरीके से, जो कि सो कॉल्ड डेफिनेशन है हमारी सोसाइटी कि अगर किसी का वाइट कॉम्प्लेक्शन है, वो देखने में टॉल है और ऐसे है तो वो बड़ा हैंडसम है, तो वो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, उनके हस्बैंड जो है ना उनसे देखने में बहुत ज़्यादा उनका अपीयरेंस डिफरेंट था और वो जो थी उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा हस्बैंड के मुकाबले डाउन था और उनका वेट भी ज़्यादा था। तो लोग, रिश्तेदार उनको इस तरीके से बोल देते होंगे बार बार कि ये तो अपने हस्बैंड से बड़ी लगती है,
इस तरीके से जब उनको बार 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 ये सब चीज़ें बोली गई तो उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी डेवलप हुई, उन्होंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, मिलना जुलना कम कर दिया और सोचती रहती थी अपना वेट घटाने की, डाइट करने की भी कोशिश करती थी, लेकिन अब हर एक का नेचुरल जो बॉडी बिल्ड होता है वो अलग तरीके का होता है। सो उनका डाइट करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद भी बॉडी वेट कभी बहुत ज़्यादा कम नहीं होता था, तो वो एक चिंता में, एक उसमें स्ट्रेस में आ गई बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से धीरे 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 उनकी इन्फीरियरिटी इतनी हावी हो गई उनके ऊपर कि उनको डिप्रेशन आ गया। तो अब आप देखिए कि ये डिप्रेशन जो है ना, उसके अलग अलग कितने कॉजेज हो सकते हैं। बॉडी शेमिंग भी एक कॉज है, और ये सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं होता है। हाँ, फीमेल्स इसका शिकार ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये मेल्स के साथ भी होता है। एक लड़का जो अंडरवेट था, ठीक है, वो अंडरवेट था, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो खाता नहीं था, उसका बॉडी टाइप ही ऐसा था, उसका वेट नहीं बढ़ रहा था, और उसका कॉम्प्लेक्शन भी जो है ना, जो सो कॉल्ड सोसाइटी के नॉर्म्स है, उसमें फिट नहीं हो रहा था। वो इंडियन ब्रिटिश जो ट्रू कलर होता है हमारा, वो था, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा इसी तरीके की बातें, सिमिलर तरीके की बातें जब सुनने को मिली तो उसके अंदर सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो गई, लोगों से मिलना जुलना उसने कम कर दिया, क्योंकि उसको लगता है कोई ना कोई उसकी अपीयरेंस पे कुछ ना कुछ तो कमेंट करने वाला ही है। तो इस तरीके के तमाम लोग आपको मिल जाएंगे जो आसपास, फ्री के एडवाइज़र जो आपको ये बताते घूमेंगे कि आप कैसे हैं और आपको कैसा होना चाहिए। तो ये जो दो केस के एग्जांपल और जो मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन सब चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि किस किस तरीके से वो लोग जो है ना हमको तंग करते हैं। एक है टाइप वेट के आधार पर, वजन के आधार पर, जो मैंने बताया था कि मेरे को भी बोलते थे लोग, ठीक है, किसी का ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, कम हो तो भी प्रॉब्लम है, और जिसका आइडियल हो उसको भी कमेंट करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। सो वेट के आधार पर भी बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से बॉडी हेयर, अगर किसी के त्वचा पर बाल हो कहीं पर, अगर अंडर आर्म्स हो या लेग्स पर हो या कहीं हो, तो एक ना टीन एज में जैसी लड़कियां आती हैं उनको एक एंग्जाइटी होने लगती है कि मेरे हेयर रिमूव कराओ ये सब। इवन मेरी डॉक्टर अभी 13 ईयर्स की हुई है, एंड उसने अभी एक दिन पहले बोला कि मम्मा मेरे पैर पे इतने बाल क्यों हैं, और मैं अपने बालों को जो है ना क्यों नहीं ये जो ना अभी वैक्सीन करा सकते। तो अभी आप देखिए, छोटा बच्चा 13 ईयर्स का, उसके माइंड में बात आई, तो कहीं ना कहीं से तो उसने कोई टीवी एड्स और या फ्रेंड्स में बातें हुई होंगी कहीं पर। चलिए, वो तो मैंने उसको समझा दिया, उसकी सेल्फ स्टीम काफ़ी अच्छी है, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो वहीं पर उसके दिमाग में से वो चीज़ हट गई। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं हो पाता। सो वहाँ पर बॉडी हेयर अगर कहीं पर हो, उसके लिए भी जो है ना कितने बाल हैं, और ये सब चीज़ें कार्यक्रम ना घर से ही चालू हो जाता है कई बार, तो फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि वो लोग भी वो सोसाइटी की जो डेफिनेशन है उसमें आपको फिट करना चाहते हैं, तो वहीं पर ही कई बार हाइट को लेकर, कहीं पर शरीर के बालों को लेकर, कहीं रंग रूप को लेकर, तरह तरह से बॉडी शेमिंग घर में भी स्टार्ट हो जाती है। बाहर वालों को तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन बाहर भी जो ना अड़ोसी पड़ोसियों को भी बड़ी कंसर्न रहती है कि आप कैसे दिखते हैं और आपको कैसा दिखना चाहिए। तो कई बार ये घर में भी और बाहर कहीं भी आपका शिकार हो सकते हैं। तो आपके बॉडी हेयर को लेकर भी ऐसा हो सकता है, एज को लेकर हो सकता है, अगर आपने कुछ अच्छे से ड्रेसअप कर लिया, बूढ़ी गोड़ी लाल लगा। अब बताइए कि किसी की अगर एज 50-60 हो गई तो क्या उसको अच्छे से ड्रेसअप होने का कोई अधिकार नहीं है, है ना? तो किसी भी तरीके से एज को लेकर भी आपके जो क्लोथ्स आपने पहने हैं या किसी और तरीके से आपने कुछ मेकअप लगा लिया है या कुछ भी है, तो आपकी एज को लेकर भी आपको जो है ना इस तरीके से टोंट मारे जा सकते हैं, टॉर्चर किया जा सकता है। अट्रैक्टिवनेस, भाई जो बिल्कुल मिल्की वाइट है ना, वो एड्स आते हैं ना फेयरनेस वाले की, उसमें जॉब भी मिलेगी आपको, तभी मिलेगी जब आप जो है ना गोरे होंगे। सो मतलब हर तरीके से वो आपकी अट्रैक्टिवनेस, कैसे अट्रैक्टिव आप लग रहे हैं, मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो सांवले रंग के होते हैं लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन जिसके दिमाग में डेफिनेशन वाइट कलर की ही है अट्रैक्टिव, वो ही लगता है। तो उस तरीके के लोग आपको, आपकी जो अपीयरेंस है, आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, अपनी डेफिनेशन के हिसाब से आपको जज करते रहेंगे, तो इसलिए भी आप शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही फूड को लेकर, खाने को लेकर, कितना खाते हो, है ना, कोई कम खाता है तो उसको लेकर भी, कोई ठीक खाता है उसको लेकर भी, कोई ज़्यादा खाता है उसको लेकर भी, कोई क्या खाता है उसको लेकर भी, ये खाते हो उसी वजह से तो ऐसा हो रहे हो, आपके प्लेट पर भी कई बार लोगों की नज़र चली जाती है। सो किसी भी चीज़ को लेकर दिमाग में जो है ना लोगों के फितूर उठता है और वो आपको इस तरह से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही आपकी क्लोथिंग को लेकर, कपड़ों को लेकर, आपने जो है ना कोई शॉर्ट ड्रेस पहन ली है तो भी लोगों को दिक्कत है, आपने लॉन्ग पहन ली है तो भी लोगों को दिक्कत है, क्योंकि
सिंपल ड्रेसिंग को भैंजी लुक बोल देंगे और जो है ना मॉडर्न ड्रेसिंग को चालू लुक बोल देंगे, तो लोगों का क्या है इस तरह से। एंड इसमें आप और हम लोग नहीं, सभी लोग ही जो है ना कहीं ट्रोल हो जाते हैं। अभी मैंने रिसेंट एक नेहा कक्कड़ का वो देखा था वीडियो, शॉर्ट वीडियो था, वो किसी फंक्शन में गए हुए थे, रेड कलर का उन्होंने गाउन पहना हुआ था। सो इतनी अच्छी सिंगर हैं वो, उनकी हाइट कद की तरफ तो नज़र जानी भी नहीं चाहिए, इतना नाम बनाया है और एक एग्जांपल सेट किया है, यू नो। और फिर भी उनके लिए जस्ट मैंने जस्ट कमेंट पढ़े, सो वहाँ पर कमेंट जो पढ़े तो उनको इस तरीके से जो है ना ट्रोल किया जा रहा था उनकी हाइट को लेकर, और उनके जो ड्रेस उन्होंने पहन रखी है इतने ज़्यादा अजीब अजीब से गंदे भी कमेंट्स लिख रखे थे। तो लोग किसी को भी नहीं बख्शते हैं, इसीलिए तो जो एक्ट्रेसेस हैं ये कभी कहीं की सर्जरी, कभी कहीं पर अपना लुक चेंज करना, कुछ कुछ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लास के लोगों को इस तरीके से फेस करना पड़ता है, किसी भी क्लास के लोगों को फेस करना पड़ सकता है, और कुछ भी एक क्राइटेरिया बनाकर लोग आपको इस तरीके से परेशान कर सकते हैं। ऐसे ही आपके हेयर को लेकर, ज़्यादा स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, ड्राई हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, पता नहीं क्या का कहाँ से इतना लोगों में दिमाग आता है कि वो किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाकर, बेसिकली उनका जो है ना जो आपका एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहने की बात रह जाती है कि किसी का मन देखना चाहिए, इंसान की नेचर अच्छी होनी चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए, ये सब ज्ञान की बातें ऐसा लगता है जैसे किताबों में ही अच्छी हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल उसमें आते हैं तो ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं और कोरा ज्ञान लगता है। और इसीलिए छोटे छोटे बच्चों में भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, वो अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, बच्चों का पढ़ाई से दिमाग हटकर इन सब चीज़ों में अपने आप को ब्यूटी में निखारने में लग जाता है, और वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि उनको ऐसा लगता है कि अगर बस अच्छे दिखेंगे तो ही सब दिखेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि उनका बॉडी वेट कुछ भी हो, उनकी हाइट कुछ भी हो, लेकिन उनके अचीवमेंट्स के आगे लोगों की बोलती बंद करी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फुकरे खाली लोग मिल ही जाएंगे जो आपके अचीवमेंट्स को भी नकार कर आपको किसी भी तरीके से ट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और मैं कह रही हूँ आपके कोई खास बड़े अचीवमेंट नहीं भी हैं, आपको जैसा ईश्वर ने बनाया है, जैसा इस प्रकृति ने बनाया है, आप वैसे ही अपने आप में बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो सो कॉल्ड लोगों के जो आसपास के ओपिनियन है, लेकिन ये हमें मैटर कर जाते हैं सब कुछ जानते हुए भी। जैसे मैं तो जब बच्ची थी तो मैं तो रोती थी स्कूल से आकर, और मैं परेशान होती थी, वो पड़ोस वाली आंटी थी आती थी तो उनके आते ही मुझे जो है ना एक तरीके से एंग्जाइटी होने लग जाती थी कि अभी ये कुछ ना कुछ ऐसे मुझे टोक कर जाएंगी। तो जब हम छोटे होते हैं नहीं समझ पाते, लेकिन बड़े जब हम हो जाते हैं तब भी हमें अफेक्ट करती है, क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दिया गया है और एक क्राइटेरिया फिट कर दिया गया है सबके लिए कि अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो भाई सही है। किसको फॉलो किया जाता है आजकल? ना बॉलीवुड को फॉलो किया जाता है। पहले जो एक्ट्रेसेस थी वो क्या था, थोड़ी सी हल्की सी जो है ना मॉडरेट बॉडी बिल्ड की होती थी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती थी, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। लेकिन आज जो है एक्ट्रेस बिल्कुल जीरो साइज, बहुत फिगर कॉन्शियस ये वो है। तो आजकल लड़कियां हो या लड़के हो, जिस तरीके से एग्जांपल सेट किया जाता है, आपके फॉलोअर्स कौन है, बेसिकली आपके दिमाग में वो इमेज छप जाती है, और फिर आपको खुद भी इनमें से किसी भी बेस पर अपने अंदर कमी लगने लग जाती है, और आपको लगता है कि जो दूसरा ओपिनियन बता रहा है वो बिल्कुल ठीक बता रहा है आपके बारे में। दूसरे का ओपिनियन इतना मैटर करेगा ही नहीं अगर हम अपने अंदर से अपनी इमेज को ठीक रखेंगे। लेकिन क्या है कि हमारे अंदर भी जो इमेज भर दी गई है हम उससे देख रहे हैं कि वो तो मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए जो सामने वाले का जो ओपिनियन है वो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक्यूरेट है हमारे बारे में, और वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आगे समझते हैं अब इसके कॉजेस क्या हैं, बॉडी शेमिंग के कारणों को भी जान लेते हैं। नीड टू सेल, भाई ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इतने सारे, है ना, सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी सारे प्रोडक्ट्स, तो इन लोग ने क्राइटेरिया सेट कर दिया है, इस तरीके से दिखाते हैं कि अगर आपको जॉब भी मिलेगी तो वो आपकी ब्यूटी के बेसिस पर मिलेगी हर चीज़। मतलब जहाँ पर आपकी ब्यूटी इंट्रोड्यूस हुई, जहाँ पर आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, वहाँ पर कर लो दुनिया मुट्ठी में। बकवास, ऐसा होता है क्या? आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज कुछ मैटर नहीं करती है क्या? केवल एक आपकी शक्ल ही मैटर करती है क्या? क्या आपकी हाइट मैटर करती है क्या? ये जो है ना अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इस तरीके की इमेजेस जो है ना आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली आपको प्रोग्राम कर देते हैं। बार बार एक ऐड टीवी में कितनी बार आता है दिन में, वो लोगों के दिमाग में छप जाता है। सो उन लोगों को तो क्या है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। अब वो तो इस तरीके की वो चीज़ें बनाएंगे ना, पहले आपके दिमाग में नीड घुसाएंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ फिट करेंगे कि भाई आप ऐसे नहीं हो, देखो ऐसा ही होता है सब कुछ ठीक। सो वहाँ पर क्या होता है, इस वजह से हमें जो है ना जो जिस बेसिस पर हमको
तंग किया जाता है वो एक्चुअली हमारे को खुद भी अपने अंदर कमी लगने लगती है. हमें लगता है हाँ किसी ने काला कहा, किसी ने नाटा कहा, तो है ही ना मेरी हाइट ऐसी कम, क्यों बनाया. और कई कुछ लोग तो इतना क्वेश्चन करने लग जाते हैं मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया, मेरी हाइट लंबी क्यों नहीं बनाई. अब जैसा है जो है उसमें तो कुछ चेंज नहीं किया जा सकता ना. सिर्फ आप अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर कर जैसे भी आप हैं, या आप अपने गुणों को बढ़ा सकते हैं. मेरी मम्मी ने उस टाइम मुझे ये बात भी समझाई थी कि जो ब्यूटी है वो उम्र के साथ फेड होगी, लेकिन जो आपका टैलेंट, जो आपकी स्किल्स है वो उम्र के साथ हमेशा बढ़ेंगी. सो बेटा उस चीज़ पर ध्यान लगाओ जो उम्र के साथ आपको ज़्यादा फायदा देगी, आपके साथ हमेशा बनी रहेगी और बढ़ेगी आपके जीवन में, ना कि वो चीज़ जो उम्र के साथ घटेगी. सो ये चीज़ आज के बच्चों को अगर हम समझाने की कोशिश भी करेंगे तो उनके दिमाग में आसानी से फिट नहीं होती है बात, क्योंकि उनके आज के टाइम में जो इतने टीवी एड्स और जितना जिस तरीके से बॉलीवुड और तरह तरह के कमर्शियल्स जो एड्स या वेब सीरीज आती हैं उन सब में जो इमेज फिट की जा रही है और जो ऑलरेडी लोगों का दिमाग प्रोग्राम हो चुका है, वहाँ पर शादी के लिए भी अगर जाते हैं तो ऑलरेडी तो ना पहले सबसे पहले लंबी गोरी सुंदर इस तरीके की एक डिमांड होती है. बाद में उसकी पढ़ाई लिखाई या फिर उसके विचारों को, उसकी आदतों को, संस्कारों को कंसीडर किया जाता है. तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे लेवल पर क्यों ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं इन्होंने सबका दिमाग ख़राब कर दिया है. तो आपको समझना है कि वो उनका बिजनेस है, वो जिस तरीके का क्राइटेरिया दिखा रहे हैं वो सिर्फ बकवास है. आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं. इसी तरह से लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रियल फीलिंग्स. कई बार एक इंसान आपसे चिढ़ावा होता है, आपसे जेलस कर रहा होता है, या किसी और तरीके से उसके मन में कुछ नेगेटिव इमोशन चल रहा होता है और वो ट्रू फीलिंग्स तो कह नहीं पाता, तो वो क्या करता है आपको हर्ट करना चाहता है. और इसलिए हर्ट करने के लिए वो आपके अपीयरेंस पे, कुछ आपके जो एक्सटर्नल इमेजेस पे कुछ ना कुछ टोंट मार देगा, कमेंट कर देगा. शक्ल देखिए अपनी, ठीक है. सो वो देखिए इस तरीके से बोलते हैं, शक्ल देखिए अपनी, तो इस तरीके से. एक और डायलॉग है, मुझे एक क्लाइंट ने बताया था कि उसको ऐसे बोलते थे कि नौ देखे 13 थूके, कुछ इसी तरीके का कुछ कमेंट उन्होंने बताया था कि मैडम मुझे ये बोलते हैं, तो बहुत हर्टिंग लगता है. हाँ हर्टिंग है ही, जब सुनने में ऐसा लग रहा है अजीब सा, तो हर्टिंग तो होगा ही ना. सो अब क्या है, उसके पीछे का जो कॉज होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी शक्ल वाकई ऐसी है, वो पर्सन ऐसा है जो उबला पड़ा है किसी और नेगेटिव इमोशन से और वो आपको हर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके की बात बोल रहा है. तो आप ना दूसरों के ओपिनियन को इतना मैटर देना बंद कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं किसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है और वो आप पर क्यों अटैक कर रहा है. इसी तरह से लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस. जब लोगों में डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की पावर नहीं होती है. अब सारे एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, सारी शक्लें एक जैसी हो, सबका कॉम्प्लेक्शन एक जैसा हो, सबकी हाइट एक जैसी हो, सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता है. लेकिन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की जब आपके अंदर पावर नहीं है तो भी इस तरह से बॉडी शेमिंग का शिकार लोग हो जाते हैं. पुअर बिलीव्स, लोगों के पुअर बिलीफ है ना वही, क्योंकि इतने टाइम से हम सब प्रोग्राम हो चुके हैं तो हमारे पुअर बिलीव्स हैं कि अगर लड़की की हाइट अच्छी नहीं है या उसका रंग अच्छा नहीं है या लड़के की भी, ठीक है. सो वो सब क्या हो जाता है कि इसकी शादी में दिक्कत आएगी, कोई पसंद नहीं करेगा, आगे बच्चे भी जो है ना ऐसे ही पैदा होंगे. हमारे एक रिलेटिव थे, सो क्या था कि वो अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहे थे. सो बहुत सारे अच्छे लड़के भी मिले जिनके रंग थोड़े से सांवले थे, थोड़ा हाइट में कम थे. तो उन्होंने क्या वो दिया, मैं भी वहीं पर बैठी हुई थी, उन्होंने कहा नहीं लड़का तो हम जो है ना लंबा ही ढूंढेंगे और थोड़ा सा गोरा सुंदर ढूंढेंगे आगे, वरना बच्चे भी ऐसे पैदा होंगे. हे भगवान. सो मतलब वो उसका हुनर नहीं देख रहे थे कि वो कितना वेल सेटल और कितना गुणवान वो है, वो सिर्फ ये देख रहे थे. और एक और मेरे नोन है, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल उस लड़के की सुंदरता देखकर कर दी और पता चला वो बाद में नेचर का इतना ज़्यादा खराब था कि 11 साल बाद डाइवोर्स ही होना पड़ा. सो कहने का मतलब है कि लोगों के पुअर बिलीफ्स भी जो है ना बॉडी शेमिंग का शिकार के कारण होते हैं. दो सेल्फ स्टीम, किसी की खुद की सेल्फ स्टीम बहुत लो है, किसी को खुद को बहुत प्रताड़ना मिली है. ऐसी बहुत सारी मेरे पास मदर्स आती हैं जो खुद बॉडी शेमिंग का बहुत ज़्यादा शिकार हुई भी है, उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो है, तो वो चाहती हैं कि अपनी बेटी को जो है ना वो इस तरीके से, अपने बेटे को इस तरीके से ब्यूटिफाई कर दें कि सब लोग उन्हें पसंद करें. इसका एक विवाह मूवी आई थी जिसमें उनकी छोटी वाली बेटी, क्या नाम था उस एक्ट्रेस का, शाहिद कपूर, और उसमें एक मूवी आई थी अगर आप लोगों को याद हो तो, उसमें जो है ना जो
हीरोइन थी, उसकी जो छोटी वाली बहन थी वो तो सांवली थी, और उसकी माँ उसको क्या करती थी, रोज लेप लगाने के लिए, उपचुन लगाने के लिए कि तू भी जो है ना अपनी बड़ी दीदी की तरह सुंदर हो जा। सो वो क्या है कि वहाँ पर वो खुद ही सांवली थी जो उनकी माँ का रोल प्ले कर रही थी। सो वो अपनी इंफीरियरिटी को छुपाने के लिए कि मेरी बेटी को भी लोग बहुत पसंद करें और बहुत अच्छी तरीके से उसकी शादी हो जाए, उसको रोज उपटन लगा लगा के, मतलब उसके दिमाग में ये रीइंफोर्स कर रही थी कि भाई तू अच्छी नहीं दिखती है, जबकि कितना गलत बात है, तो किसी इंसान की खुद की सेल्फ इस्टीम लो होगी तो वो भी ऐसा कर सकता है। और कारण है, और समझ लेते हैं इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। इसके इफेक्ट पड़ते हैं सोशल एंग्जाइटी। किसी भी पर्सन को अगर बॉडी शेमिंग का शिकार बनाया जाता है सो क्या होता है, उसके अंदर सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, जैसे उस लड़के का एग्जांपल मैंने दिया था। क्योंकि अगर कोई भी इंसान है जो इस तरीके की बातें कई बार सुन चुका है तो उसके मन में एक फियर डेवलप हो जाता है कि अगर मैं बाहर निकलूंगा लोग मुझे देखेंगे तो फिर वो मेरी अपीयरेंस पर किसी ना किसी तरीके से किसी भी बात को मुद्दा बनाकर कमेंट करेंगे, तो लोगों में सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। इसी तरह से बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, यस आप देखिए हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ना अपने नोज को लेके, कभी लिप्स को लेके इस तरीके से सर्जरी करा देते थे, ऑब्सेस्ड होते रहते हैं, एक तरीके का डिसऑर्डर है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई हुई है। इसमें एक पर्सन को इस तरीके से लगता रहता है कि उसके फेस में, अपीयरेंस में कुछ ना कुछ कमी है, वो उसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने बॉडी के उन पार्ट्स के लिए। तो ये किसी की लाइफ को इस हद तक भी खराब कर सकता है। डिप्रेशन का तो मैंने एग्जांपल दिया ही था, उन लेडी के जो है ना डिप्रेशन का कॉज क्या निकला, उनका कॉज बॉडी शेमिंग निकला। इसी तरह से पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक पर्सन लो फील करने लग जाता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, उसको लगता है मैं कुछ भी पहनूं या कुछ भी खाऊं लोगों को तो तकलीफ होगी, तो उसको फिर क्या होता है, मतलब ज़िंदगी जीने में उतना मज़ा नहीं आता। वो पर्सन और ज़्यादा लेजी होकर ना एक्सरसाइज करना, ना अपना ध्यान देना, क्यों, क्योंकि उसका एक बिलीफ बन जाता है कि वो अच्छा नहीं है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब हो जाती है। इसी तरह से और क्या इफेक्ट आता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम प्रेशर होने की वजह से स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो डिस्ट्रेस बन जाता है, और एकदम से एक्सट्रीम एंग्जाइटी, कई बार पैनिक वाली फीलिंग बन जाती है, ओवर थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है, और इस तरीके की नेगेटिव थॉट प्रोसेस अपने बारे में, नेगेटिव सेल्फ इमेज बनाना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। लो सेल्फ इस्टीम तो हो ही जाती है उस पर्सन की, उसका अपने ऊपर से वैसे भी कॉन्फिडेंस हटने लग जाता है, उसका अपने स्किल्स पर भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे अंदर कितने भी कुछ क्यों ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अपीयरेंस की वजह से लोग मुझे एक्सेप्ट ना करें। ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाते हैं कई बार, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो पतले होते हैं वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जो ज़्यादा वाले होते हैं वो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं, तो किसी भी तरीके से ये चीज़ सामने निकल कर आएगी। और कई बार स्ट्रेस में लोग स्ट्रेस ईटिंग बहुत करते हैं, तो ईटिंग का किसी भी तरीके का डिसऑर्डर भी हो सकता है पर्सन को। और सेल्फ हार्म एंड इवन सुसाइड तक के जो है ना इस तरीके के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि कई बार इंसान इतना ज़्यादा टूट जाता है, उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, उसको लगता है कि मेरा तो जीना ही बेकार है, इस जन्म में तो मुझे अच्छा बनाया नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट जन्म मिला तो कैसे बनेंगे, मतलब इस हद तक भी वो पर्सन डिप्रेस हो सकता है, को सेल्फ हार्म पहुँचाने से लेकर सुसाइड तक कमिट करने के इस तरीके के केसेस देखे जाते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस है। अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के भी अपीयरेंस पर किसी भी बात को मुद्दा बनाकर कमेंट किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में ऐसा हो रही है तो उसके लिए स्टैंड लीजिए, अगर बाहर कहीं हो रही है तो उसके लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि ये किसी पर्सन की लाइफ को ख़राब कर सकता है। आप देखिए ना, हमारे पास कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, AR रहमान से लेकर APJ अब्दुल कलाम जी को लेकर, इवन नेहा कक्कड़ की हाइट कितनी छोटी है लेकिन उनके कारनामे कितने बड़े हैं, उनके अचीवमेंट्स कितने बड़े हैं। किसी भी पर्सन को सिर्फ उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर जज करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, और मैं कह रही हूँ किसी को जज ही करना बहुत गलत है। आप कौन होते हैं, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, किसी को जज करने का किसी के पास कोई अधिकार ही नहीं है। जो जैसा है वो अपनी ज़िंदगी में उसी तरीके से खुश रह सकता है। अगर आपको किसी भी पर्सन को कुछ ओपिनियन देना ही है तो उसको कुछ रियलिस्टिक पॉजिटिव इस तरीके का वो दीजिए, जिससे कि वो पर्सन बेहतर बन सके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो सके, उसकी सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छी बढ़ सके, वो लाइफ में कुछ और अच्छी वैल्यू एडिशन कर पाए। और अगर आपके पास इस तरीके का कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो बेटर है कि अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई कोई भी बात किसी पर्सन को तकलीफ दे सकती है। अब जब भी कोई इंसान बॉडी शेमिंग का शिकार होता है तो उसे अंदर से ये चीज़ पता होती है कि मैं अपनी हाइट
पढ़ा नहीं सकती, उसे पता है कि मैं अपना जो सांवला रंग है उसको बिल्कुल वाइट, मिल्की वाइट नहीं किया जा सकता, मेरे जैसे बाल है इनको और ज़्यादा हैवी नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से जिस भी बात को मुद्दा बनाकर आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको कुछ कमेंट्स मिल रहे हैं, आपको पता है कि रियलिटी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसको दिक्कत क्यों आ रही है रियलिटी को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है, आपके जो बिलीफ लोगों ने जबरदस्ती बना दिए गए हैं उनको तोड़िए। और कोई भी ब्यूटी की, एक्सटर्नल अपीयरेंस की, किसी तरीके की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ये सब कोरा बकवास है। आप अपने आप को जबरदस्ती किसी भी क्राइटेरिया में फिट करने की कोशिश करने के बजाय अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से जैसे आप हैं वैसे जियो। अगर आपको लगता है आपको अपनी ब्यूटी को जो अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए मेकअप लगाना अच्छा लगता है, खूब लगाइए। लोगों के उसमें नहीं, आप काजल ऐसे लगाते हो या आप बाल ऐसे भाते हो, आप कपड़े ऐसे पहनते हो, ये करते हो, दूसरे जो बोल रहे हैं उनके बारे में एक ही ओपिनियन बनाइए, और वो ये कि इतने खाली लोग हैं, उनके पास इतना एक्स्ट्रा समय है कि वो आपके अपीयरेंस पर कमेंट करें, और जो इतना खाली है जो सिर्फ ये देख रहा है कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ करी है या आपके अंदर क्या नुक्स है, वो उस इंसान से कनेक्ट होकर मतलब रखकर आप करेंगे क्या? और अगर ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको इस तरीके से कह रहे हैं, तो आप उनको प्यार से एक बात समझा दीजिए कि आप जैसे हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप अपनी ज़िंदगी को संभालने लायक अपने आप को बनाने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो रिलैक्स रहें। उनको प्यार से समझा दीजिए, अगर वो भी नहीं समझते हैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, दस बार समझाइए, लेकिन उनके दिमाग में भी आपको फिट करना पड़ेगा। जिस तरीके से बार बार टीवी ऐड आकर आपका दिमाग प्रोग्राम करते हैं ना, इसी तरह से आपके फैमिली मेंबर्स का दिमाग रीप्रोग्राम आपको करना है, बार 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 उनको ये चीज़ बताकर, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ऐसे ना जिनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप भाग नहीं सकते, तो उनका दिमाग आपको बार बार प्रोग्राम करना है। और जो बाहर के इस तरीके के फिजूल के लोग हैं उनको तो आपको जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से अगर इस तरह से आपको बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि अगर आप कीचड़ में जो है ना दोबारा से अपना पैर डालेंगे तो वो कीचड़ आपके ऊपर और ज़्यादा उछलेगी। तो इस तरीके से जो उनके कीचड़ जैसे ओपिनियन है आपके बारे में उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, रिलैक्स रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, अपनी सेल्फ टॉक को बिल्कुल पॉजिटिव कीजिए, अपने आप को बताइए कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप यूनिक हैं और आप अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब आप अपने आप को, अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो दूसरे के जो ओपिनियन है वो एक नॉइस की तरह बाहर बाहर रहेंगे, वो आपका इंटरनल डायलॉग कभी भी नहीं बनेगा और आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही खुश रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर आप दुखी थे अभी तक तो आप मुस्कुरा उठेंगे, खुश रहिए और ये वीडियो ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज हर दूसरा व्यक्ति बॉडी शेमिंग का शिकार है। कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मैं ऐसी यूजफुल वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। टेक केयर।